जम्मू कश्मीर से। आपको याद होगा कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने सभी दलों की बैठक बुलाई है और इस वक्त बैठक जारी है क्योंकि नए वोटर लिस्ट पर चर्चा हो रही है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सभी पार्टियों से बात कर रहा है। 25 लाख नए मतदाताओं पर विपक्ष भड़का हुआ था, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती साहिबा को हमने सुना, फारूक अब्दुल्ला को सुना, यानी तमाम पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब, जो 25 लाख नए वोटरों की बात कही गई थी, जो गैर स्थानियों को वोट डालने की बात कही गई थी, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष भड़का हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब उसकी क्लियरिटी के लिए खासतौर पर सभी दलों की बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में हम देख रहे हैं कि पहले ही ऐलान किया गया था कि सभी जो दल के नेता होंगे वो वहां पर पहुंचेंगे। और आपको जानकारी दे देते हैं कि इस वक्त पीडीपी के लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, अन्य पार्टियों के सभी अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। खैर, आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि अभी भी मीटिंग चल रही है, लेकिन इस मीटिंग का नतीजा आखिर क्या निकलेगा थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन फटाफट से आपको सुना देते हैं कि वो नेता जो पहुंच रहे हैं जब यहां पर मीटिंग हो रही है, उन नेताओं की तरफ से खासतौर पर क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स वहीं पर मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आप उसको सुनिएगा, फिर अपने संवाददाता रितिका का रुख करेंगे जो कि वहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद बात करो। वोटिंग राइट वाला जो इशू है, वही माना जा रहा है कि वही मुद्दा है। कुछ नहीं कह सकता मैं, तो यही कह सकता हूँ जब तो मैं उनको सुनूंगा नहीं, वो क्या पेश करते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस का बाकी जो हमारा स्टैंड जो पहले था, जो ऑल पार्टीज का स्टैंड था, हम उस पर स्टैंड पे खड़े। क्या स्टैंड जो पहले स्टैंड वो आपने बताया था कि हम बाहर के वोटरों को जो अगर हक देना चाहेंगे उस पर हम विरोध करें। लेकिन दूसरे राज्यों में जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी वहाँ वोटिंग चीज बताएं। सर सामने सामने कि जम्मू ईस्ट में का फैसला मैंने कहा, जम्मू ईस्ट गांधीनगर वाले ने फैसला करना कि यहाँ का विधायक कौन होना चाहिए। कोई कहाँ पर नो मैं कहता हूँ कहीं पे नहीं। मुझे क्या बताएं कि महाराष्ट्र के अंदर क्या बिहार के लोगों को हक दिया कि वो वोट डालें, फैसला करें वहाँ के लोग? मैं कह रहा हूँ उनको कागज पेश करने दीजिए, क्या कहते हैं फिर बताएंगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आरपीए 1950 को लेकर कांग्रेस के समय में बना हुआ एक्ट, और आज जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद केंद्र के सभी एक्ट जो हैं, इनकी सभी एक्ट्स की जो है यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी है। आज चुनाव अधिकारी जी ने रिवीजन, जो हमारी जो समरी रिवीजन है, उसके लिए बैठक रखी है। उस बैठक को अटेंड करने के लिए अपनी टीम के साथ हम लोग जो है यहाँ पर। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि आरपीए जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके जरिए आप अपने जो है वोट बैंक को जो है पूरा कर रहे हैं। 1950 में भी ये जब एक्ट बना था तभी यही प्रावधान थे, उससे पहले भी यही प्रावधान थे। आज मात्र इसलिए क्योंकि 370 जाने के बाद, 35 से हटने के बाद पहला चुनाव है, शायद इन लोगों को यही तकलीफ हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो प्रावधान यहाँ पर एप्लीकेबल है, उन प्रावधान के मुताबिक ही जो है वो असेंबली रिविजन होनी चाहिए और उसी के मुताबिक चुनाव। रितिका राजपूत इस वक्त जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। रितिका, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ खबर है? अंदर मीटिंग चल रही है क्या? हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कुछ नेताओं को खटका था जब यह ऐलान किया गया था कि 25 लाख नए वोटर होंगे, लेकिन बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि हाँ, जो हो रहा है सही हो रहा है। मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है? आपको बता देना चाहते हैं कि सीईओ नितेश कुमार की तरफ से आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी समर्थक हैं उन्हें यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और वो आए भी हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों से जुड़े हुए सदस्यों ने भाग लिया। और जो जो आपत्तियां थी, जो जो ऑब्जेक्शन वो फाइल करना चाहते थे, वो तमाम ऑब्जेक्शन उन्होंने अंदर जाके बताए हैं। और सबसे बड़ी बात आ रही थी जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटर्स को जोड़ने की बात, उसी पे स्पष्टीकरण हर किसी को चाहिए था, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के हर्षदेव सिंह की तरफ से पार्टी कार्यालय के बाहर जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी कर दिया गया। और जब वहां से अंदर पार्टी से में जो भी लोग गए थे अंदर, जब वो लोग मीटिंग अटेंड करके बाहर आए हैं, उन्होंने ये बताया है कि 25 लाख वोटर्स की बात को कहीं ना कहीं हल्का सा नकारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा करेक्ट नंबरिंग हम नहीं कह सकते कि 25 लाख है, अभी काउंट होना बाकी है, अभी बहुत सी चीजें हैं जिन पे स्पष्टीकरण मिलना बाकी है। ठीक है रितिका, लेकिन आखिर जब सभी दलों को वहां पर बुलाया गया है।